उस पर ध्यान नहीं दिया। भागवत सुना दिया और अपने पढ़ लिया, 7 दिन में कथा खत्म हुई। बाबा जी दक्षिणा लेकर घर में गए, अपने घर गए, और श्रोता दुख लेकर अपने घर गए। वह धर्म नहीं है, मंदिर में जाना केवल धर्म नहीं है, सदगुरु बनाना भी केवल धर्म नहीं है। दिव्य आत्माएं आप विचार कर सकते हैं कि आप सत्संगी हैं, आप सदगुरु बनाए हैं, आप धर्म सभा में बैठे हुए हैं, और यदि आप यहां से जाने के बाद में घी में डालडा मिलाकर बेचे तो धर्म हुआ? नहीं हुआ। दूध में पानी मिलाकर बेचे तो धर्म हुआ? नहीं। पत्नी के साथ विश्वासघात करें तो धर्म हुआ? नहीं। बहू सासु माँ बहू को प्रताड़ना दे तो धर्म हुआ? नहीं हुआ। धर्म जाकर के घर में लाश बनाकर खाए, बकरा मरा हुआ बकरा लाश ही है ना, लाश बनाकर खाए तो क्या धर्म हुआ? मछली खाए, मछली भी तो किसी का प्राण है, वो भी मुर्दा खोर बनकर मुर्दा खोरी करे तो धर्म हुआ? है? अरे यह पेट है, लेकिन पेट को क्या बना दिया? श्मशान कब्रिस्तान। कनेक्ट ले रही थी, मैं व्रत रहता हूँ। अरे मैं मातेश्वरी परिवार का हूँ। जय माता की, जय माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धन निरंकार, धन निरंकार, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हैं? सुने ना बाबा जी, लोग बोलते हैं और लोग भी मिलते हैं तो बोलते हैं। और यदि वह व्यक्ति मुर्गा खाता है तो अपने पेट में डालता है, दफन करता है, तो मुर्दा कहाँ दफन किया जाता है? दो जगह ना, या तो कब्रिस्तान या तो श्मशान। आप देवपुंज हैं, देवी देवता हैं, और इस पेट में कब्रिस्तान और श्मशान बनाएंगे और भूत घर में खोजेंगे? हमारे भूतवा हमारे घरवा में ग्रंथ होगा, अरे पेटवा में ग्रंथ है ना, तो खींचते हैं ना हम, तो टीवी भी में देखे हैं, खींचते हैं ऐसे सब का खींचते हैं, हड्डी में थोड़ा जो मांस लगा रहता है ऐसे खींचते देखे हमने। पहले मैं बोल दिया मुझे नाराज का कम नहीं है, मुझे जो देना मत देना, फिर बोलेंगे तो बोलेंगे, ठीक है ना। भगवान देवता बनाए हैं, और जितने भी चेहरे होते हैं ना भगवान का आपसे मिलता जुलता होता है, चाहे राम का हो, चाहे परशुराम का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे महावीर का हो, मोहम्मद साहब का हो, ईसा मसीह, किसी का भी हो, आपके चेहरे से मिलता जुलता रहता है। लेकिन दिव्य आत्माएं सत्संगी आदमी, अरे और तो और करे, जब सत्संगी आदमी ऐसा करे। अच्छा बोली, हमें तो कितने घर में देवियां बोलती हैं तुहार गुरु जी ये सिखौले हुआ का, चलो पूछो थे ये सिखौले हुआ, दिन भर राम राम साझी का सौ ग्राम, चलो चलो तुहरे गुरु जी के लगे तू चलते हम चलते, ये मंत्र स्वाहा कर ल, पकवा जग्गी पर गए हवन करे, ये सीख के ल, यही दिव्य आत्मा है। गुरु भी कलंकित होता है, परम शक्ति सहोधर्म भी कलंकित होता है, और याद रखो जिसके कारण से सदगुरु और धर्म कलंकित होता है वह व्यक्ति कभी और किसी हालात में बख्शा नहीं जाता, उसका अपराध कभी क्षमा नहीं होता, वह अपराध क्षम्य नहीं है। मैं बोलता हूँ 4 अपराध कभी क्षमा नहीं किए जाते। सर्वप्रथम अपराध होता है जो जज गलत फैसला देता है, वह जज का अपराध कभी क्षमा नहीं, वह सदगुरु क्षमा नहीं होता है जो मंच पर चढ़ करके मिथ्या मिथ्या उपदेश करता है, वह सदगुरु भी कभी क्षम्य नहीं होता है, वह भी अपराध क्षमा नहीं होता है। और तीसरा अपराध जो सदगुरु के जीवन को कलंकित करता है, सदगुरु से दीक्षा लेने के बाद भी पाप प्रवृत्ति में रहता है, वह भी अपराध कभी क्षमा नहीं होता है। चौथा अपराध, बेगुनाह पत्नी को सताने वाला वह पुरुष भी
कभी इच्छा में नहीं होता है। एक हमारे यहाँ करोड़पति आदमी आया था, आज की बात है, हमारे पास आया, हाथ जोड़े खड़ा था, बोला गुरुजी कमाता बहुत हूँ लेकिन क्या करें, पैसा नहीं बचता, घर में लक्ष्मी नहीं बचती, कुछ उपाय बताएंगे? वो पूछा उपाय बताएंगे, हमें भी नाराजगी हो गई, हमने बोला कि इसे अपने जीवन साथी को आप सताएंगे, वो तो हक्का पक्का होगा, ये कहां पूछ रहे थे क्या होगा।